अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फरहानास फीस्ट। आज हमारे फीस्ट में बनने वाला है एक स्पाइसी चटपटा और टेस्टी सा चाट जो आंध्रा में बहुत फेमस है, वो है मिर्ची भज्जी मसाला। बहुत आसान है इसको बनाना, स्नैक्स के टाइम पे इसको बनाएं और सबके साथ एंजॉय करें। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चले इस यम्मी सा चाट को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है भज्जी के मिर्ची। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा नहीं खाते तो आप इसको स्प्लिट करके इसके बीन्स निकाल सकते हैं। मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। नॉर्मली सब लोग इसमें स्टफिंग करते हैं लेकिन हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये मसाला चाट है। हम लास्ट में इसको कट करके मसाले डालकर हम इसको मिलाएंगे। तो बैटर प्रिपेयर कर लेंगे हम पहले। बैटर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप यानी 100 ग्राम जितना बेसन या चने का आटा। इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के चावल का आटा। चावल के आटे से बहुत क्रिस्पी बनते हैं हमारे भज्जी। इसी के साथ डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। ये है 1/2 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालें क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम होता है चने के आटे से, तो ये अजवाइन जो है बहुत यूज़फुल है डाइजेशन के लिए। इसी के साथ डालें थोड़ा सा हल्दी और अपने टेस्ट के बराबर नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लें एक बार। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सेमी थिक कंसिस्टेंसी का बैटर बना लें। ज़्यादा पानी ना डालें वरना ये पतला हो जाएगा। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, सेमी थिक कंसिस्टेंसी रखें इसको। इसी के साथ हम डालेंगे गरम किया हुआ तेल। यह है 2 टेबलस्पून गरम किया हुआ तेल हम अब इसमें ऐड करेंगे। तेल को ऐड करने से भज्जी बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बैटर का टेक्सचर भी अच्छा बनेगा। निकाल के रख लेंगे। ये देखें कितने ऑसम लग रहे हैं हमारे भज्जी। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको अब हम ऐसे पीसेस में कट कर लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लें।
सारे भजियों को इस तरीके से कट करके रख लें। ये देखें मैंने कट कर लिया सारे भजियों को। अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए अनियन। मैंने दो बड़े साइज़ अनियन चॉप करके रख लिए थे, उसको अब हम ऐड कर लेंगे इसमें। उसी के साथ हम डालेंगे 1 कप भर के मूंगफली। ये भुने हुए मूंगफली है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये है कॉर्न के चिप्स, मैंने इसको घर में ही फ्राई किए थे। ये नॉर्मली बाज़ार में भी हमको फ्राई किए हुए मिलते हैं, तो आप चाहो तो वो डाल सकते हैं, वरना घर पर फ्राई करके डाल सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें डालेंगे 1 नींबू का रस, 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया, और ये है बूंदी जो मिक्सचर में आता है, वो सेपरेट से बूंदी उसको डाल लेंगे। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हाथों से मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे, तभी इसका मज़ा आएगा। मैश करते हुए अच्छे से हाथों से मिक्स कर ले, चम्मच से मिक्स करने में मज़ा नहीं आएगा। हाथों से इसको अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करें। अगर आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते, मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने शुरू में जो है मिर्चियों में से बीज नहीं निकाले, तो वही स्पाइसीनेस काफ़ी होगा। अगर आप बीन्स निकालेंगे या और ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते। तो बस हमारा मिर्ची भज्जी मसाला बनकर तैयार है, इसको हम सर्व कर लेंगे। बहुत ही ज़्यादा तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें घर पर। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।